हेलो गुरमन टोलिफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी का अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सिक्स क्लास का जो ज्योग्राफी का एक सेक्शन चला रहे हैं, उसमें हम लोग नाइन चैप्टर यानी कि ऑलमोस्ट पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है लास्ट चैप्टर है इस सिक्स क्लास का। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे होंगे, इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, सारे वीडियो देख जाओ। पूरे सिक्स क्लास का भूगोल यानी हमारी दुनिया कंप्लीट हो गया, बिहार बोर्ड का। एनसीईआरटी भी बाकी, एनसीईआरटी को मैं बाद में कराऊंगा, उसमें भी शुरू से कराऊंगा पूरी अंत तक। और ये जो सेशन चल रहा है, अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। नए बच्चे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, है ना। पूरी क्लास करके देखिए, इंजॉय आएगा, मज़ा आएगा, एकदम समझ आएगा। बहुत डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है तो कमेंट करके बेधड़क पूछिएगा कि यहाँ पर हमको परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, ठीक है। तो बेटर वीडियो अगर बेहतर लग रहा होगा तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिए, या नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, बिहार दर्शन 2। बिहार दर्शन 1 जो है नाइन चैप्टर में है और बिहार दर्शन 2 जो है 10वां चैप्टर में, ठीक है। ये सब सिक्स क्लास के चल रहा है। तो यहाँ पर शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। अब सासाराम जो है ना रोहतास जिला, वही सासाराम, ठीक है। वहाँ पर कैसी शेरशाह का मकबरा, ठीक है। पटना में क्या है तो गोलघर है। पटना में क्या है, गोलघर। और पटना संग्रहालय है, पटना सिटी में है। तो पटना सिटी में क्या हुआ था, तो हरमिंदर साहब है ना वहाँ घूमने गए थे, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो गया, ठीक है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना सिटी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है रोहतास, अब ये जो सासाराम से जो रोड निकला हुआ है उसको बोलते हैं NH2, जो कि दिल्ली से होके कलकत्ता तक जाती है, दिल्ली से होके कलकत्ता तक, ठीक है। NH2 इसको बोला जाता है, ठीक है। अब रोहतास जिला का क्या है, मुख्यालय। रोहतास जिला का मुख्यालय, ठीक है। दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है, दिल्ली हावड़ा, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता जो यानी हावड़ा को जोड़ने वाली जो ट्रेन लाइन है उसको बोलते हैं ग्रैंड कोर्ट लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, तो ग्रैंड कोर्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे तो रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम के अफगान शासक से ससुरी मकबरा द्वारा शेरशाह का मकबरा स्थित है, यानी कि सासाराम में किसका मकबरा है, तो मकबरा है शेरशाह का, ठीक है। शेरशाह का फरीद खां के समय में शेरशाह जो था ना वो घूमने गया था जंगल में, तो एक शेर को अपने मतलब एक ही वार से शेर को धड़ से अलग कर दिया, इसलिए इसके बाद इसका नाम पड़ गया शेरशाह, ठीक है। क्या नाम पड़ गया, शेरशाह। अब शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा किया। अब ये शेरशाह जो था ना मुगल वंश के हुमायूं को हटा दिया, हरा दिया, हरा कर खुद उस गद्दी पर बढ़ गया। अब ये मुगल को हराया कब, तो याद रखिए दो को लड़ाई हुआ, एक 1539 में, एक 1540 में। कब, एक 1539 में, 39 में जो हुआ था उसका नाम था ना ये चौसा का लड़ाई और इसका नाम बिलग्राम, चौसा और बिलग्राम, ये चौसा का लड़ाई और बिलग्राम, बिलग्राम को कन्नौज का लड़ाई भी कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम लड़ाई, ठीक है। तो पहला में ये किसके किसके बीच में हो रहा था, हुमायूं में है ना, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है, शेरशाह में हो रहा है, ठीक। शेरशाह शेरशाह क्या किया, हुमायूं को दोनों बेर हरा दिया। हराने के बाद शेरशाह हुमायूं भाग गया, भागने के बाद दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया, दिल्ली पर कब्जा हो गया ये इनका, किनका, शेरशाह सूरी का, ठीक है। शेरशाह सूरी दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और 1540 से लेकर 45 तक ना शासन करते हैं, और 45 में इनकी मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनवा चुके थे, कहाँ, सासाराम में। इनके मकबरा जो था अष्ट गुंबद दिए, क्या है, अष्ट गुंबद, अष्ट गुंबद तो मतलब आठ गो कोना वाला, आठ गो गुंबद वाला आना, अष्ट कोने की अपना मकबरा बनवाए थे, स्मरण। और एक सरोवर के बीच में यानी तालाब के बीच बीच में इनका मकबरा, और आने जाने के लिए बीच पतला से एक रास्ता बना हुआ, मकबरा में जाकर घूम के देख लीजिए, ठीक है। ये अपना मकबरा पले ही बनवा लिए, जबरदस्त बनवा लिए थे। ये देखिए गोलघर, गोलघर के बारे में जानते हैं, गोलघर को बनवाया किसने था, तो इसका निर्माण जो है कैप्टन जॉन गॉलस्टीन 1786 ईस्वी में अनाज रखने के भंडारक उद्देश्य में कराया था, ताकि अकाल के समय में अनाज की मदद लोगों को मिल सके, बचाया जा सके, ठीक है। इसकी दीवारें जो है 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊँची है, 12 फीट मोटा, बताओ 12 फीट मोटा, एक रूम से ज़्यादा मोटा अगर दीवार है, और ऊंचाई जो है इसकी कितनी ऊंची है, तो 96 फीट ऊंचा है, बताओ कितना ऊंचा है, समझ रहे ना कितना ज़्यादा ऊंचा हो गया। अब बनवाया कितने था, तो कैप्टन जॉन गॉलस्टीन, ठीक है, याद रखिए 1786। आगे आते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया। विशाल पेड़ एक बिहार के म्यूजियम में यानी संग्रहालय में एक विशाल पेड़ मिला जो 5000 साल पुराना, याद रखिएगा, और ये इतना हार्ड हो गया कि अब पत्थर की तरह हो गया, एकदम हार्ड, ठीक है। अब यहाँ लिखा एक यक्षिणी, यक्षिणी की मूर्ति जो है ये दीदारगंज से मिली है, कहाँ से मिली यक्षिणी की मूर्ति, तो दीदारगंज से, ठीक है, मूर्ति है यक्षिणी, यक्षिणी की मूर्तियाँ होती हैं, इसकी मूर्तियाँ मिली दीदारगंज से, जिसको संग्रहालय में रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि दीदारगंज कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग पता लगे, दीदारगंज पटने में है, ठीक है, पटने के पास में। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब हुआ था, तो उस मंदिर का नाम रखा गया है श्री हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, श्री हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन सर में। ये भी चैप्टर जो था उतना कोई खास बड़ा नहीं था, तो क्वेश्चन सर जब कंप्लीट कर लेंगे लो तो 6 क्लास प्रत्यक्ष कंप्लीट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बताते आ रहा हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और समझ आ रहा होगा तो कुछ बच्चों के पास इसको शेयर करते रहिए। इसको शेयर करने का तरीका क्या होता है, व्हाट्सएप से ऐसे शेयर कीजिए, इसका लिंक यहाँ पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए बच्चों को ताकि बच्चे देख सके, और उनसे बोलिए कि और सारे बच्चों को जोड़ते रहे। अब देखिए क्वेश्चन पहला नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ, तो पटना सिटी, ठीक है। गुलगर अवस्थित है, कहाँ है, पटना में अवस्थित। दीदारगंज कहाँ है, तो पटना में, ठीक है, सॉरी दीदारगंज कहाँ है, दीदारगंज है यहाँ पर, दीदारगंज पटना में ही है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दीदारगंज के बाद। अब आएंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे या खाली जगह को देखेंगे पूरी तरह से डिटेल में, तो खाली जगह में देखने के लिए हम लोग को मिलेगा कि पहला क्वेश्चन लिखा है गोलघर का निर्माण किसने किया था, गोल्ड स्टूप अभी पढ़ लिया 1789 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। पटना स्थित संग्रहालय में 10 वर्ष पुरानी है, तो कितनी वर्ष पुरानी लकड़ी, तो भैया तो 5000 वर्ष पुरानी था। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, दीदारगंज से, ठीक है, दीदारगंज से। तख्त श्री हरमिंदर मंदिर जो है ना, ये कहाँ, पटना सिटी में, ठीक है, पटना सिटी में। शेरशाह का मकबरा 10 कोनी है, तो 8 कोनी है, ठीक है। ग्रैंड कोड रेलवे हावड़ा टू दिल्ली, यानी दिल्ली टू हावड़ा चलता है। गोलघर का निर्माण डैश ने करवाया था, गोल्ड स्टीन करवाया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ, तो भैया इसको मिलान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहब, पटना संग्रहालय पटना में ही हो जाएगा, है ना। गोलघर अनाज का भंडार, रोहतास सासाराम हो जाएगा, पटना संग्रहालय राजेंद्र कक्ष, ठीक है। राजेंद्र बाबू के जितने भी सामान मिले थे वो सब उसमें रखा गया है। अब सही गलत जो है उसको देख लेते हैं, है ना। पहला लिखा है शेरशाह को हरा कर हुमायूं भारतीय गद्दी पर कब्जा किया, तो बात तो सही है, शेरशाह को हरा कर हुमायूं भारत, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं उल्टा दे दिया, शेरशाह को हरा कर नहीं, शेरशाह जो दो है ना हुमायूं को हरा कर वो गद्दी बटाई, गलती दे दिया क्वेश्चन, तो गलत हो जाएगा। भारत में ख नंबर है, भारत में गया को जोड़ने वाली लाइन ग्रैंड ट्रंक लाइन है, पटना को गया से नहीं, सासाराम रोहतास वगैरह ये नहीं, जो NH2 है वो NH2 है, ठीक है। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गाल्डस्टीन बनाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। पत्थर की मूर्ति दक्षिणी दीजारगंज से मिली है, यक्षिणी, ठीक है, सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हर मंदिर में मिला, सही है, ठीक है। अब रह गया क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर जो है ये चीज़ें आप सभी को पहले से पता है कि ये सब चीज़ों को आपको पढ़ाते समय जानकारी हो जाना चाहिए। अगर नहीं जानकारी होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, इसको लिखवा दूंगा, और आप जानते होंगे तो कृपया करके इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो आज हम लोग हो गया फाइनली 6 क्लास कंप्लीट, ठीक है, तो 6 क्लास कंप्लीट हो गया। इसी तरह 7th आएगा, 8th आएगा, 9th, 10th सब आएगा, 12th तक पूरे क्लास को मैं पढ़ाऊंगा। और जो मुहिम मैं शुरू किया हूँ, मतलब जो मैं आंदोलन अपना शुरू किया हूँ कि जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था पेड बैच में, उसको मैं फ्री में जो पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया आप बच्चों से अनुरोध है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि सारे बच्चे इस फ्री कोचिंग का लाभ उठा सके। यहीं पर करूँगा वीडियो का अंत, फिर दूसरे किसी क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।